हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एलन कोचिंग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में जुलाई सेकेंड वीक का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। मैं इस वीडियो में 7 जुलाई से 14 जुलाई तक कुल टॉप 40 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत किया, जिससे कि इस वीडियो से आने वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में गलत ना आए। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इस ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शेष नाग है। तो क्वेश्चन नंबर दो यह है कि वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। तो क्वेश्चन थ्री हमारा यह है कि किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर यह है कि किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रमेश कुमार को हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव यह है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नोरड ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुमित नागल। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा यह है कि किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रिया ठकराल। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन यह है कि हाल ही में G4 नामक वायरस किस देश में पाया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, चीन में पाया गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट हमारा यह है कि फ्यूचर ऑफ हाइगर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, CAB पटाभी राम है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा यह है कि संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वैशाली मोहंती को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टेन हमारा यह है कि किसे सियरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राकेश कुमार अरोड़ा को हाल ही में सियरा लियोन गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यह है कि हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृतिका पांडे को हाल ही में एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने यानी आदित्यनाथ योगी ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, तो यह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 1 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान हाल ही में शुरू किया है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि
द योगिनी पोयम लव एंड लाइफ नामक पुस्तक हाल ही में विमोचन किया गया और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर अदिशा दास हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि हाल ही में मलावी देश में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो मलावी देश में जो नए राष्ट्रपति चुने गए वह कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लाजर चकवेरा है। लाजर चकवेरा को हाल ही में मलावी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 यह है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना हाल ही में लॉन्च किया है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि नासा ने किस नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पल्स नाम से। नासा ने हाल ही में संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यह है कि हाल ही में भारत के पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट को लॉन्च किया गया, तो इस ऐप को किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने भारत के पहले सोशल मीडिया ऐप सुपर ऐप एलिमेंट को हाल ही में लॉन्च किया है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यह है कि हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वियतनाम में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यह है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गुजरात राज्य में। भारत में और विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है वह गुजरात में की गई है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 यह है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कबक पार्क विकसित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला कवक पार्क विकसित। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यह है कि हाल ही में BET 2020 मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बियांसे को हाल ही में BET 2020 मानवतावादी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 यह है कि हाल ही में ICC के एलिट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नितिन मेनन को हाल ही में ICC के एलिट पैनल में भारतीय अंपायर के रूप में शामिल किया गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यह है कि हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यह है कि हाल ही में पहले PC महल नोविस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी चक्रवर्ती रंगराजन को हाल ही में पहले PC महल नोविस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि हाल ही में IOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैद्य को हाल में IOC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
तो क्वेश्चन नंबर 28 यह है कि हाल ही में विजडन ने भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा को हाल ही में विजडन ने भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में चुना है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यह है कि हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रविंदर भाकर को हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 यह है कि हमारा हाल ही में पाक सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी निगार जौहर को हाल ही में पाक सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा यह है कि हाल ही में ली सिन लुंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सिंगापुर के ली सिन लुंग जो है सिंगापुर में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 यह है कि किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस पुरस्कार 2020 जीता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कंबोडिया। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा यह है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए के जैग डी थोंग डोग। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा यह है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए नवतेज बल को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा यह है कि हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नादौन पुलिस स्टेशन को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा यह है कि महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ए और बी यानी ए के श्री कुमार और रूपा श्री कुमार दोनों ने इस पुस्तक को लिखी है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यह है कि किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए भारत देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार हाल ही में जीता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 यह है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा यह है कि लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुखवीर सिंह को हाल ही में लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 यह है कि हाल ही में किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना हाल ही में शुरू की है। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि क्या होगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे लाइक करेंगे तो इस वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी नई अपडेटेड
वीडियो आप लोगों के लेके आऊँगा, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए सारी वीडियो मेरे इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।